ए गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से, प्यार से, सुंदर से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। क्या हुआ? तीन चार ला ना। तो आज है दशहरा नौमी, तो आज तो मेला देखने नहीं गई, बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। कल दिखा दी थी हमारे यहाँ तो शहरा में जलेबी खाया जाता था, यहाँ पर जलेबी लेकर आई थी, मोड़ पर गई थी, जलेबी लेकर आई थी, तो शहरी जलेबी खा रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी बैठी हूँ, मशीन लगाना है, सोच रही हूँ कपड़े धो लूँ, बट बहुत आल। तो गाइस यहाँ पे खाना पीना बन गया है, सभी लोग खा लिए हैं, बस ओनली जो है मैं नहीं खाई हूँ और मशीन लगा रखी हूँ, क्योंकि फटाफट कम हो रहा है। मुझे कल कहीं जाने का तैयारी है, वो तो नेक्स्ट डे का ब्लॉग में ही आएगा। ब्लॉग डिले जा रहा है, मुझे भी पता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। तो अभी जो है दशहरा वाला वीडियो ही नहीं गया है, अभी मैं सोच रही हूँ इसी टाइम डाल दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इसी टाइम डाल दूँगी। और ये ब्लॉग है जो अभी नौमी का है, दसवीं में ये भी चला जाएगा आप लोग के पास, और दसवीं को मुझे कहाँ जाना है वो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा आप लोग को। आज बहुत दिनों के बाद मेरा मूड हुआ थोड़ा सा एल्बम देखने का, तो सोच रही एल्बम देखा जाए, जो कि ये सोले का छठी का एल्बम है, पढ़ वाला पहले ना, श्वेता मेमोरी, हाँ, राधिका, राधिका है। यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोग को, बहुत सुंदर सुंदर सा बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं सोले का छठी के टाइम का है ये, मतलब 9 दिन का हुआ था। तो ये है सोले, ये मेरी जेठानी एंड मी, आप लोग पहचान रहे हैं या नहीं पहचान ही रहे होंगे, इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है, मम्मी की फ्रेंड है, ये आंटी हैं कॉलोनी की, और यहाँ पे ये भाभी लगती हैं, मतलब भैया के फ्रेंड की वाइफ, मैं और मेरी मम्मी। यहाँ पे ये मैं हूँ, और ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, ये उनका लड़का है छोटा वाला, और ये सौम्या, उस टाइम इतनी छोटी थी, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे झूला, ये रो रहा था झूले में, ये झूले में रो रहा था कि मुझे झूले में सुला दो। और ये हैं सौम्या की दादी। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं हमारा ससुराल फैमिली, हमारे जेठानी की लड़की, ये भी मेरी जेठानी की लड़की, ये मेरी बड़ी वाली भाभी एंड मेरी नंद। ये हैं मेरी मासी, पापा, और ये कान्हा जो अभी ब्लॉग में देखते हैं, जो बड़ा हो गया है, सारे के टाइम भी कितना छोटा था आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे पापा, यहाँ पे बुआ है, ये पहले पास में रहती थी बट अपना मकान बना के चली गई, ये दीदी हैं जो हमारे पड़ोस में रहती हैं। यहाँ पे सौम्या को देख ही सकते हैं आप लोग, सौर्य को झूले में झूला रही है, यहाँ पे सौर्य सोया हुआ है, जो कि ये बच्चा शैतान है, अभी आप देख सकते हैं, उस टाइम इस बच्चे को देख सकते हैं, उस टाइम सौम्या को देख सकते हैं, अभी शैतान बच्ची देखिए कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, यहाँ पे मेरी जेठानी की लड़की है एंड मी हूँ। यहाँ पे ये मेरे चाचा, ये जानते ही हैं मेरे ससुर जी, ये भाभी के चाचा लोग हैं, ये हमारा फेवरेट हीरो, ये हमारा फेवरेट हीरो एंड मी एंड सौम्या, ये मेरी भांजी एंड सौर्य। क्या हमारा फैमिली था गाइज, एक छोटा सा फैमिली, कितना प्यारा सा सब कुछ भगवान मुझे दिया था यार, हद हो गया। यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे, मेरी मम्मी, एक पापा, बात बोलूं, ऐसी लग रही है जैसे कि किसी को देख रही, बस यही सारा फैमिली लोग हैं। मेरी चाची हैं, ये भी मेरी चाची हैं, ये हम, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, ये फोटो क्लिक, ये हमारे जेठ हैं, सौदे हैं, यहाँ पे ये मेरी मासी है, ये जेठ है, ये हमारा फैमिली जो फोटो देखे ही थे, ये मेरी दीदी हैं, ये मेरी चाची हैं, ये मेरी जेठानी हैं, जो कि जान से ज़्यादा अपनी बहन से बढ़ के हैं, मेरी दीदी हैं, मैं हूँ, जेठानी की लड़की, इनकी लड़की, यहाँ पे मेरी जेठानी की लड़की भाभी सौर्य, ये हमारे सास, ये मैं, ये सौर्य, ये ससुर, ये हमारी छोटी बुआ, ये मैं, ये मेरी बड़ी बुआ एंड सौर्य। यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी सास, सौर्य, मैं, यहाँ पे सौर्य, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, सौर्य को गोद में ली हूँ, सौम्या, इसके डैडी, ये मेरे हस्बैंड, मेरी बहन, मैं, सौर्य। बहुत एक छोटा सा मेमोरी, हमारे लैपटॉप में बहुत सारा था बट
हटा दिया गया क्या बोलूँ, कुत्ता था लैपटॉप सही करने वाला। यहाँ पे मेरी बहन लोग है, ये हमारी मायके की है, ये मेरी सिस्टर, ये भी सिस्टर, ये भी सिस्टर, ये सब में। ये हमारा फैमिली, ये टकली सौम्या, टकली सौम्या है ये, फर्स्ट टाइम टकली हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं और वो सौम्या। देखिए सौम्या जब छोटी हुई थी उस टाइम मैं कैसी थी गाइस, आप लोग देख सकते हैं, बस उस टाइम कितनी पतली थी, कितनी छोटी सी थी। इसके डैडी भी उस टाइम पतले थे। और यहाँ पे ये सौर्य हुआ था उस टाइम पे, छोटा सा था, बिल्कुल हुआ था टकलू सा। हाँ इस टाइम पे सौर्य नहीं था, इस टाइम पे हम तीन लोग थे, सौम्या, मैं और इसके डैडी। क्या बोलूँ यार, मुझे नहीं समझ में आता गाइस। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। टकलू सौम्या, टकलू सौम्या, गब्बर सी लग रही है इसमें, गब्बर सी तो खो जाएगा। हमारा बहुत सारा जो है ना मेमोरी हमारे लैपटॉप में था, और जिससे लैपटॉप मैं सही करवाने के लिए दी थी ना, उससे बोली भी थी कि भैया प्लीज लैपटॉप का जो फोटो है ना वो डिलीट मत करना। फिर भी उस टाइम में हाँ बोल दिया, और फिर उसके बाद सारा डिलीट हो गया। बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पर सच में, इतना ओह माय गॉड मैं क्या की हूँ, सच में यार माइंड नहीं काम करता है। इसे छोड़ दी हूँ खुला और मैं उधर मस्ती करने लगी, क्योंकि चूहे यहाँ पे इतने हैं, कब घुस जाएगी और कब सारा कतर देगी कुछ नहीं पता। बहुत सारा चूहा है और मुझे भी कवर उबर लगाना है, थोड़ा बहुत कपड़ा धो लूँ पहले इसके बाद। तो हो हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है गाइस तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्दी ही घर छोड़ कर जाने वाली हूँ, तो आती हूँ, इतना सफाई करती हूँ, सारा कुछ सही कर लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ, फिर गंदा हो जाता है। दुख तो खैर बहुत होता है लेकिन क्या करूँ यार, मेरा लाइफ बड़ा मतलब एक होता है ना कि उलझना, एक डोरी में उलझा हुआ है, इस तरीके से उलझा हुआ मेरा लाइफ है। तो इसी में हंस लेती हूँ, खुश रह लेती हूँ, रो लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ इसी चीज़ में। एक छोटी सी जिंदगी में बहुत तरह की तरीके की गेम है हमारी लाइफ में। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।